हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे एक चौंकाने वाला डाटा निकल करके आ रहा है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करी है वोडाफोन आइडिया में, या तो फिर पोजिशन बनाने की सोच रहा है। मुझे भी थोड़ा चौंकाना लगा ये डाटा, सरप्राइजली लगा। यहाँ पे जो डाटा शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे नज़र आया है वो, तो उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा एक और भी खबर है जो कि 5G के रिलेटेड है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। और फिर कल के लिए जो टारगेट निकल कर आएंगे, उसके बारे में हम जैसे एनालिसिस करते हैं वो तो हमेशा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि आज की क्लोजिंग 8 रुपये 15 पैसे के आसपास हुई है। 5 पैसे आज भी डाउन है, 0.6% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन पे नजर डालेंगे तो एनएसई की वेबसाइट पे वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है, 8 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। हाई आज 8 रुपये 20 पैसे का, लो 8 रुपये 5 पैसे का। इस लेवल को आप ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि 8 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये अभी ऐसे ही टूटने वाला नहीं है, और जब ये टूटेगा तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन में नजर करें तो 8 करोड़ 60 लाख 24 हज़ार शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 4 करोड़ 15 लाख 76 हज़ार शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बढ़िया है, 48% से भी ज़्यादा। तो एक सिचुएशन तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, परंतु यहाँ पे जो सिचुएशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। यहाँ पे वोडाफोन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मैंने सर्च करके रखे है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना फर्क पड़ा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो आपके सामने यहाँ पे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे Q4 की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। पब्लिक के पास 27.95% की होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रमोटर के पास 72% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले FIR और FPI। Q3 में FIR के पास 6% से ज़्यादा की होल्डिंग थी, या फिर टू बी स्पेसिफिक बताऊँ तो 6.08%, जो कि अभी उन्होंने घटा करके 4.60% कर दी है। और यहाँ पे DA जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, यहाँ पे बात करूँ मार्केट में बड़े प्लेयर होगी, तो उसके पास 1.39% की हिस्सेदारी थी Q3 में, जो कि उन्होंने घटा करके 1.07% की कर दी है। आगे बात करना चाहूँगा नॉन इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो इसमें हमारे रिटेल भाई भी आ गए। उसके पास 20.48% की हिस्सेदारी थी, जो कि वो बढ़ करके यहाँ पे 22.28। तो इन दोनों ने माल किसको चिपकाया है, माल चिपकाया है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टरों को, ऊपर के लेवल में 13-12 के लेवल में। तो दोस्तों ये अपने अपने सरप्राइजिंग डाटा है कि यहाँ पे बड़े लोगों ने माल निकल कर भाग गए हैं, और यहाँ पे जो इस खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में, वो खरीदारी करी है रिटेल भाई लोगों ने। अपने यहाँ पे एक खबर थी, उसके अलावा और एक भी खबर है जो कि मैं आपको डिस्कशन करके बताना चाहूँगा। भारतीय एयरटेल जियो एट ऑड ओवर होम ग्राउंड 5G स्टैंडर्ड TRAI-6 असेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम ग्राउंड 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड दिया गया था 5G का करके, परंतु यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो की बात करें तो इसने स्ट्रिक्टली यहाँ पे इसको अपोज किया है। अपोज क्यों किया है, उसका भी कारण बताया गया है कि कॉस्ट में यहाँ पे बड़ी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर ये स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं। इसके चलते यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने तो अभी स्ट्रिक्टली इस पर मना कर दिया है, जो कि इसके ऊपर अभी वोडाफोन आइडिया का कोई भी बयान नहीं आया, परंतु रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने इसको यहाँ पे अपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बात को यहाँ पे TRAI असेसमेंट करेगी, मतलब कि जांच पड़ताल करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ा ऐसा यहाँ पे डिसीजन आया, तो जैसे कि भारतीय एयरटेल ने बताया कि स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ने वाले हैं होम ग्राउंड 5G को डेवलप करने के लिए। तो ये भी बड़ी खबर थी, इसके ऊपर भी डिसीजन आएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम कंपनियाँ, भारतीय एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों पे यहाँ पे हमें असर होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, कल के लिए क्या लेवल टारगेट आएंगे वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो रेंज है धीरे धीरे नीचे और खिसकती हुई दिखाई दे रही है, अभी 8 रुपये 15 पैसे और 8 रुपये 5 पैसे। मैं आपको इवन 8 रुपये का लेवल भी बताऊंगा कि इसके बीच में आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर 8 रुपये का लेवल नीचे की तरफ टूटता है
या फिर सस्टेन रहता है तो ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है अभी 7 रुपये 80 पैसे के पहले टारगेट के लिए यहाँ पे इंट्राडे में। अभी 8 रुपये 15 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 8 रुपये 25 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे के लेवल हमें ऊपर की तरफ एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलेंगे। बाकी RSI का लेवल 43 का है तो RSI का लेवल यहाँ पे फ्लैट ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। देखे दोस्तों तो 40 से 50 के बीच में ही RSI का लेवल घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है कल। तो आपकी स्टडी कंडक्ट करी है उसके बाद ही कोई डिसीजन ली है। मेरी तरफ से यहाँ पे लिंक दी गई है जीरोधा की, अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं खुलवाया तो वहाँ से जाके आप खुलवा सकते हो। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।